टैलेंट पाकिस्तान का वेलकम टू दी एपिसोड 2 ऑफ यंग डायरीज। इस एपिसोड में मैं आपको चेक करवाऊंगा बहुत आला किस्म की फिश फ्रॉम चौधरी असलम फिश शॉप, और ये दुकान तकरीबन 50 साल पुरानी है। और इसके साथ साथ मैं आपको मिलवाऊंगा चौधरी असलम फिश शॉप के ओनर चौधरी असलम से। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इतनी गर्मी में फिश क्यों ट्राई कर रहा हूँ, तो चीज ऐसी मैं कहता हूँ तोपर निकली हो फिर भी मजा खा लिया, इतनी मजे की चीज है। और इसके साथ साथ आपको चेक करवाऊंगा थ्रीमू हेड के नजारे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड स्टे ट्यून्ड, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं, फिट फाट हैं। सो वेलकम टू दी यंग डायरीज पार्ट 2 एपिसोड 2। तो आज हम जा रहे हैं, जो मेन चीज करने आया था जंग में वो थी थ्रीमू हेड की फिश। आज हम उधर जा रहे हैं, इस वीडियो में हम वो चेक करेंगे, और दूसरी चीज जो है वो घी के पकौड़े या भे के पकौड़े वो चेक करनी है। ये दो चीजें जो है वो जंग की स्पेशल या ट्रेडिशनल चीज कह लें, ये चीज है जंग की। जंग में अगर कोई बंदा है ना, आप पूछो उधर की फूड क्या है, तो आप कुछ देर ये दो चीज़ें बताएगा। और मेरे साथ अगर आप पिछली वीडियो को देख के आए हैं तो पता होगा कि मेरे साथ मेरे चाचू है, मेरा पीछे भाई बैठा हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखी तो जाके वो चेक करें, फिर ये चेक करें, ये चेक कर लें, फिर वो चेक कर लें, तो कोई मसला नहीं है। इससे पहले मैंने किया था विलेज लाइफ, थोड़ी सी दिखाई थी, इतना नहीं कर सका क्योंकि आपको पता है समर का महीना है और इंतहा की धूप होती है। और आज हम दिखाएंगे आपको प्रॉपर, अभी तकरीबन टाइम हो चुका है, तकरीबन 6:30 हो चुके हैं, अभी 6:20 तकरीबन 6:30 हो चुके हैं। तो आपको जा जू के चेक करवाते हैं, मैं गाड़ी से व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने कहा थोड़ी रोशनी शोशनी में व्लॉग शुरू करें। और मेरे साथ मेरे चाचू है, चाचू क्या हाल है? ठीक ठाक ठीक ठाक। और विचे भाई तेरा क्या हाल है? ठीक है। जी जनाब, आ चुके हैं थ्रीमू हेड पे, मेरे पीछे आप चेक कर रहे हैं, फुल हैवी किस्म का जो है पानी का बहाव है, और फुल शू शू करके जा रही हैं, मतलब इसकी आवाज़ें आ रही हैं, लहरें जा रही हैं, फुल शू शू करके अभी जाते हैं। और सारा हम थोड़ी सी तस्वीरें बनाते हैं, वो आप इंस्टाग्राम पे देख लेंगे। बाकी यार बड़ा बड़ा मजे का सीन, चेक करें। ऐसे लग रहा है पानी नीचे से ऊपर आ रहा है। सीन इसका इस तरह है कि मेरे ख्याल से ये सतलुज और चनाब रोड क्रॉस कर लूं, फिर थोड़ी सी आपको स्ट्रिप करता हूं। रोड क्रॉसिंग ये चीज। अच्छा, जैसे सीन इसका इस तरह है कि ये दराए सतलुज और चनाब को ना मिलाता है, ये मेरे ख्याल थ्रीमू हेड यहाँ पे मिलते हैं, इस तरह का कोई सीन है। एग्जैक्ट नहीं बताओ, मैं सर्च वगैरह करके आपको जो करेक्शन हुई तो मैं कर दूंगा यहाँ नीचे करके। हेलो भाजी, लंडा लगा जुतियाँ का। ये जुतियाँ किधर से आई है? मुझे लगता है कोई जुतियों का कंटेनर खुला है, वो यहाँ सारी बह के आ गई है। एक छोटा सा उन्होंने पार्क सा बनाया हुआ है, अगर किसी ने तस्वीरें वगैरह बनानी है तो वो बना लें, जैसे कि मैंने बनाई है। होप सो कि मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगा, आप वहाँ जाके देख लेंगे, मैं इंस्टाग्राम आईडी यहाँ दे रहा हूँ, जाके फॉलो करना। और हेड थ्रीमू पे जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, दरियाई पानी की मछलियाँ होती हैं, वो इसके साथ नहीं है पॉइंट, जहाँ पे फिश वगैरह पकती हैं या सेल होती हैं वो थोड़ा सा आगे जाके पॉइंट है, तो फिर वहाँ जाके सिर्फ खाते कूते उधर जाके ब्लॉग करेंगे। मैंने कहा थोड़ा सा आपको दिखाना ज़रूरी है कि भाई मछली आती किधर से है। बस यार थोड़ी सी ना वीडियो शूट आपको दिखाने के लिए आए थे, थोड़ा शॉर्ट्स वगैरह लेने के लिए आए थे। अब चलते हैं फिश जहाँ से हमने खानी है, फिश पॉइंट पे। तो यहाँ पे यार कश्ती भी चलती है, मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दूँ, यहाँ पे कश्ती वगैरह भी चल रही है। अगर आपने इधर आके थोड़ा इन्जॉयमेंट करनी है, इन्जॉयमेंट करनी है, तो वो आप अपनी फैमिली के साथ आके कर सकते हैं, अकेले भी आ जाओगे, मसला नहीं है। इश्क की साजिश है,
अच्छा यार, हम आ चुके हैं असलम फिश, चौधरी असलम फिश शॉप पे। ठीक है, ये इस तरह के जहाँ पहले आपने हट रिमूव देखा है ना, उससे तकरीबन अपना 1.5 या 2 किलोमीटर आप आगे हैं ना, तो वहाँ पे एक पूरी स्ट्रीट फूड जिसे आप कहते हैं, एक पूरी लाइनों में दुकानें लगी हुई हैं फ़िश की। आप इधर आएंगे तो आपको फ़िश ही फिश होगी। ये बिल्कुल आप अगर हेड त्रिमो की तरफ से आए ना, तो बिल्कुल लास्ट पे है चौधरी असलम फ़िश शॉप। ठीक है, इनकी यहाँ पे काफ़ी मशहूर है, मेरे ख्याल इनकी कॉपी भी लोग करने लगे हैं, इतनी मशहूर है। आपको 2-3 हैं, तो अभी आप जो है जो ओरिजिनल वाले हैं उनसे आप फिर बातचीत करवाते हैं, उनका थोड़ा सा इंटरव्यू करेंगे। ये आप इंटरव्यू समझ लें, इस तरह करेंगे। तो दूसरा जो है आपको फ़िश जो है प्रॉपर हर चीज़ दिखाएंगे, जिस तरह वो फ्राई होती है और जिस तरह वो बनती है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, आप इसकी निशानी इस तरह रख लें कि यार मेरी आंखों में लाइट पड़ने लगे, मैं दिख नहीं रहा। ये क्या, ये क्या लिखा हुआ है? अलहमद पेट्रोल पम्प है, उसके बिल्कुल सामने वाली जो शॉप है वो ओरिजिनल है। ठीक है, अभी चलते हैं इनके पास और बात करते हैं। अगर मेरी आवाज़ सही नहीं ना आ रही तो एक मिनट। अलहमद पेट्रोल पम्प के बिल्कुल सामने है ये वाली ओरिजिनल दुकान है, अभी इनके पास चलते हैं और बातचीत करते हैं, तो फिर आपको सारा कुछ दिखाएंगे। मैं इनके पास से होके आया हूँ, तो थोड़ा सा मैंने इन्फॉर्मेशन ली है। इनकी जो फेमस फिश है ना इधर की, वो डमरा है। ठीक है, दरियाई डमरा कहा था, पता नहीं क्या, दोबारा पूछ लेते हैं। डमरा फिश है, वो फ्राई करके देते हैं। उनका सेटअप इस तरह की, एक तरफ पूरी फिश लगी हुई है, काफ़ी मछलियाँ रखी हैं, एक तरफ तलरे हैं, और इन्होंने बताया अगर आप घर भी लेके जाना चाहें ना बगैर तली हुई, वो भी लेके जा सकते हैं। अच्छा, जिनकी दुकान में हम आए हुए हैं ना, जिनकी मतलब जिनके नाम पे ये दुकान है चौधरी असलम, वो ये हैं। इनसे आज थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि इन्होंने किस तरह शुरू किया सारा कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, थोड़ा सा इंटरव्यू टाइप सा करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम है जी? चौधरी असलम जी। ठीक है, तो आपने कितनी देर पहले ये दुकान शुरू की है? 50 साल। जिहड़ियां बाकी दुकान बनी? ठीक हो गया, सब तो पहले तुसी सीगे? पहले दुकान बनाई मैं। ठीक हो गया, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਮਸ ਇੱਥੇ ਮੱਛਲੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਰੌ, ਸੌਲ, ਅੱਛਾ, ਸਿੰਗਾਰਾ, ਸਹੀ, ਮੱਲੀ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਸੀ ਤਰਕੰਡਾ, ਦੇਸੀ ਤਰਕੰਡਾ, ਠੀਕ, ਸਿੰਧੀ ਖੱਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਮੱਛੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ, ਰੌ, ਮੋਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਤਰੀਮੂ ਹੋ, ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਫਰਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ, ਠੇਕਾ ਹੀ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਐਵਰੇਜ ਡੇਲੀ ਦੀ? ਕਦੀ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਘਰੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 12 ਮੁਲਾਜ਼ਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਘਰੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਲਈ ਮਾਣ 20 ਸਿਰ ਵਿਕਦੀ ਮੱਛੀ, 20 ਸਿਰ 10 ਸਿਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਮਾਣ ਦੀ ਸੇਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਵਰਕਰ ਰੱਖੇ ਆ? ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਸਟ ਹੈ? ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। नाम क्या आपका? मोहम्मद मुनीर। मोहम्मद मुनीर, आप यहाँ पे हेड शेफ है, मतलब यहाँ सारा चलते रहते हैं आप हैं? हाँ जी। और मसाला वगैरह जो टेस्ट है उसकी रेसिपी? हाँ जी। वो आपकी है या उनकी? चौधरी असलम? नहीं, हमारी है, हमारी है। अच्छा, सही है। और आप सारा इधर आप करते हैं? हाँ जी। और आपके पास होता क्या क्या है, मतलब कि सिर्फ यही है तली हुई है या बारबेक्यू भी है? बारबेक्यू है, तंदूरी है। अच्छा, और कढ़ाई भी मिल जाती है? सही है। बारबेक्यू का सेटअप भी लगा तो नहीं है मेरे ख्याल आपको? लगा है अभी, अभी शुरू कर रहे हैं? हाँ, नहीं बोल, ऑर्डर हो तो लगता है भाव, मतलब ज़्यादा यही है तली, ज़्यादा नहीं। अच्छा यार, अगर आपको पीछे इमरान खान की स्पीच आ रही है तो कोई मसला नहीं है, उधर सारे बड़े बड़े बैठ के सुन रहे हैं, तो मैंने इसलिए बंद नहीं करवाया, मैंने कहा साइड पे आकर बताते हैं। एक तरफ इनका जो है पूरा फ्राई करने का सेटअप लगा हुआ, दूसरी तरफ तंदूरी में भी बनाते हैं ये, और बारबेक्यू भी होता है। तो कह रहे थे पहले आप थोड़ा सा आते तो आपको वो भी मिल जाता। दूसरी सिटिंग इस तरह है कि फैमिली के लिए भी है सेपरेट, और मैं उस वाली जगह पर आया हूँ, ये मेरे पीछे आप चेक कर रहे हैं, फैमिली के लिए भी है और आम हमारे जैसे छड़ों के लिए भी है। तो
तो आप आपको चेक करके बताते हैं। एक तरफ इनका तंदूर लगा हुआ है जहाँ पे रोटियाँ वगैरह हैं, तो वो भी चेक कर रहे होंगे आप। दूसरा आपको खा को चेक करवाते हैं, और प्रॉपर एक देसी ढाबा टाइप जगह है, ठीक है। और इंटरव्यू तो आपने सुन लिया, ये प्रॉपर इंटरव्यू मैंने किया है। तो इंशाल्लाह अगर आपको अच्छा लगा है ना तो कमेंट सेक्शन में बताना, आइंदा से ऐसे ही किया करें। अच्छा यार, हमने करवाई है इनकी फ़िश, और हमने फ़िश में से जो आइटम करवाई है वो है डमरा, और फ्राई करवाई है हमने। इनके पास तंदूरी भी होती है, बारबेक्यू, ईच एंड एवरीथिंग, हर कैटेगरी की होती है। वो आपने चौधरी असलम साहब का इंटरव्यू सुना होगा कि उन्होंने कहा हमारे पास हर कैटेगरी होती है, यानी कि डमरा, रोहू, हर चीज़। तो हमने वो बाकी इसलिए नहीं करवाई क्योंकि वो ऑर्डर पे तैयार होती हैं, जो हमारे पास तंदूरी वगैरह होती है। अब ये चेक करेंगे खा के इसका क्या सीन है। मछली पड़ी हुई हमारे सामने, रोटी हैं, तंदूरी रोटियाँ, और सलाद, लीमू वगैरह, रायता, रायता बहुत ज़बरदस्त है, मैंने चेक किया है, फुल थिक रायता जिसे कहते हैं वो है, और साथ मसाला पड़ा हुआ है। अब चेक करते हैं टेस्ट करके, तो क्या सीन है वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मैं सादा ट्राई करूँगा। अच्छा, सबसे पहले मैं जो ये फ्राई हुई हुई है ना, सिंपल सादा खा के देखता हूँ क्या टेस्ट है। मैं कहता हूँ इसमें थोड़ा सा ना मसाला भी डालना, मसाला भी उन्होंने दिया हुआ है, थोड़ा सा ऐसे करके ना मसाला डालेंगे, ठीक है, तो फिर खाएंगे। मेरे ख्याल से चाट मसाला, अब मेरे ख्याल इसका लेवल का टेस्ट आएगा। कांटे कूटे निकाल लें ताकि फिर वहाँ मसला ना हो, कांटे जाते फिर अंदर। भाई अगर इमरान खान की आपको जलसे की आवाज़ आ रही है ना, मैं जलसे पर नहीं बैठा, मैं इधर फिश खा रहा हूँ, वो टी वी पर लगा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली फिश की बाइट खा के देखते हैं। अरे यार, बहुत बहुत मज़े की चीज़ है, बहुत मज़े की चीज़ है। जो मसाले का टच है, और जो उन्होंने ऊपर मसाले अपने यानी पहले उसको मैरिनेट की होती है, उसकी जो मतलब टेस्ट आ रहा है ना यार, मिल के इतना मज़ा करा रहा है ना, क्या मतलब बहुत मज़े की है। आप सोच रहे हो गर्मी में फिश खा रहा है, चीज़ ऐसी मैं कहता हूँ धुप निकली हो फिर भी मज़ा खा ले यार, इतनी मज़े की चीज़ है। वैसे कहते हैं कि रे के महीने में बंदा खा सकता है फ़िश, यानी कि आगे सितंबर आ रहा है उसमें रे आता है, तो अभी 21 तारीख है, तो 9-10 दिन रह गए हैं, उसके बाद कोई नहीं, कह रहा चलता है। अब ज़रा इसको रायते में डिप मार के मसाले रायते वाली फुल वो खाएंगे, फिर आपको बताते हैं क्या सीन है। यार रायता प्रॉपर ऑथेंटिक मिंट टेस्ट आ रहा है उसमें, और बड़ा मज़ा खा रहा है रायता एक प्रॉपर ऑथेंटिक है, और साथ इन्होंने वो भी दिया हुआ है, सलाद वगैरह भी दी है, तो वो ठीक है यार। मेरा ये रोटी खाने का था, दिल नहीं कर रहा, ये रोटी है बगैर मज़े की। अच्छा, इनका साहब इस तरह है कि ये पहले से मसाला लगा के नहीं रखा होता, जब आप आएँ और अपना ऑर्डर दें, साथ मछली आप ये सिलेक्ट करें कि यार ये वाली मछली मुझे चाहिए, तो ये वाली वो पड़ी होगी उधर, वो वाली मछली हमें चाहिए, और वो आपके सामने उसको कट करते हैं, मतलब सारा उसका बोटियाँ छोटियाँ करते हैं, फिर आपके सामने उसकी मैरिनेशन होती है, देन ये हो गया लड़ पे। अच्छा, उसके सामने आपकी सामने मैरिनेशन होती है, देन उसको फ्राई करते हैं, और सारा कुछ आपको लाइव मेकिंग नज़र आती है। ये लीची लग रही है, ये इन्होंने तंदूरी बनाई है, ये देखिए इसका, ये मैं थोड़ा खोल के चेक करवा रही हूँ, अभी तकरीबन ये कच्ची है, तकरीबन हाफ हाफ होगा, अच्छा 5 मिनट तक ये पक जाएगी, ठीक है। ये सीन है, और ये हमारा लगा हुआ है तंदूर, इसमें जाती है ये ग्रिल टाइप का बना हुआ है, ठीक है। इसको कहते हैं जो ये चीज़ है शिकंजा, अच्छा शिकंजा, हाँ ये शिकंजा है जिसमें हम ये आगे करते हैं ग्रिल वगैरह, और सॉरी इसमें आगे तंदूर में जाते हैं शिकंजा, ये शिकंजा है, इसमें आगे तंदूर में जाते हैं, ये जान लेंगे, ये चेक कर, ये आपको चेक करवा दी, इसकी भी थोड़ी सी मेकिंग, ठीक है, क्योंकि पहले ऑर्डर लग चुका था, मैंने कहा था इसकी भी मेकिंग पहले हो जाए, तो भाई ने कहा चेक कर लो, तकरीबन 5 मिनट बाद आप ये पक जाएगी, फिर आगे सर्व। अच्छा जी, टैलेंट ऑफ पाकिस्तान का, टैलेंट ऑफ पाकिस्तान का, हाँ तो भाई कुछ होंगे
अच्छा तो जनाब फिश हमने चेक कर ली है, उसके बाद हम गए थे जंग में, जंग रेल बाजार में गए थे। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं भीगे पकौड़े या भीगे पकौड़े चेक करूंगा, तो वो मैं वहां दुकान पे पहुंचा और सारा कुछ पता किया। तो वो कहते हैं कि हम तो ये शॉप, वो तो नहीं थे शॉप पे, लेकिन इधर उधर से पता किया, कहते ये शॉप जो है तकरीबन मगरब से पहले पहले ख़त्म कर देते हैं, बंद करके चले जाते हैं। वहाँ तीन दुकानें थी, तीनों ही बंद थी। तो हमने कहा यार कि फिर कभी किसी दिन सही। और थोड़ा सा जंग शहर एक्सप्लोर किया था, एक्सप्लोर मतलब फिरे थे, तो वो शहर देखा है। मैं उसको इतना मतलब वो समझता था जैसे कि मतलब जंग का नाम आए, मतलब कहते हैं कि वो गाँव का टाइप एरिया होना, ठीक है। तो मैं भी ऐसे ही समझता था। जब चेक किया तो एक प्रॉपर अंडर, जिसे कहते हैं ना अंडर रेटेड जगह है, ये वो जगह है। और अभी थोड़ी सी ग्रूम कर रही है, वहाँ ब्रांड श्रैंड वगैरह आ रहे हैं। तो मैंने प्लान बनाया इंशाल्लाह फ्यूचर में जो है उसको एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो को हम फिश पे ही एंड करते हैं। फिश बहुत लेवल की थी, अगर आप स्पेशल आना चाहें तो ये स्पेशल आने वाली फ़िश है, ठीक है। तो बस मज़ेदार हो गया, अगर आप इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और स्पेशल थैंक्स टू माई चाचू, ठीक है, इनके साथ मैं आया हूँ, ठीक है, इन्होंने मुझे वो सारा टूर शुरू कराया है। और पीछे अहमद बैठा है, इसका भी थैंक यू, इसने थोड़े शॉर्ट्स वगैरह लिए हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं। और इस वीडियो पे जब मैं ये शूट कर रहा हूँ, मेरे 1K सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो चुके हैं। तो लास्ट टाइम थोड़ा सा रह गया, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर और वीडियो तैयार करेंगी। अल्लाह। ये ले जी आखिरी सब्सक्राइबर 1K वाला भी होने लगा है इस ब्लॉग पे। ये चेक करें ऐसा भी आज लिखने आपने, चैनल खुल गया ना। ये मेरे को नेट स्लो की वजह से ना शो नहीं हुआ, एक मिनट है, टर्न ऑन कर दे नोटिफिकेशन, टर्न ऑन पूरा। यहाँ पे नेट स्लो है वरना अल्हम्दुलिल्लाह 1K हो चुका है।